उधर नवाबशाह में 12 साल की लड़की इज्तमाई ज्यादती का शिकार हो गई। तीन मुलजिमों ने लड़की को ज्यादती के बाद 2 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। मेडिकल रिपोर्ट में भी लड़की से ज्यादती की तस्दीक हो गई है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लड़की से ज्यादती के वाके का नोटिस लिया। उन्होंने मुलजिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की हिदायत भी दी और मुतासरा बच्ची के खानदान से हमदर्दी का इजहार भी किया है। मजीद जानते हैं मंजूर भगियो से। मंजूर, बताएगा अफसोसनाक ये वाक पेश आया, क्या कार्रवाई की गई अब तक? जी, ये काजी अहमद का इलाका कॉलोनी है, चंगेज कॉलोनी, जिसमें ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 12 साल जो लड़की खैरा बागड़ी, जिसको मुबैना तौर पे इतना जो ज्यादती का निशाना बनाया गया है, इस बच्ची को जो है पुलिस का कहना है कि 2 मंजिला इमारत से ज्यादती का निशाना बनाने के बाद जो है वो फेंका गया था। अभी जो इस बच्ची की हालत है वो तश्वीशनाक है और नवाबशाह की पीपल्स मेडिकल अस्पताल में जेर इलाज है। तमाम पुलिस की जानब से जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक जो इतलात मौसूल हुई उनके मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मामले का नोटिस लिया है और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है और जो वर्षा है उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है। जी जी, शुक्रिया आपका मंजूर, आप हमें आगाह कर रहे हैं।